बीकानेर राज परिवार की अंतिम महारानी और राजमाता सुशीला कुमारी का शुक्रवार देर रात लालगढ़ स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। सुशीला कुमारी का अंतिम संस्कार रविवार को यानी आज सागर गांव में स्थित राज परिवार के शमशान घाट पर किया जाना है। इससे पहले शनिवार को जूनागढ़ में उनकी पार्थिव देह आम लोगों के दर्शन के लिए रखी गई। बड़ी संख्या में शहरवासी राजमाता के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शनिवार को जूनागढ़ पहुंचकर पूर्व राजमाता श्रीमती सुशीला कुमारी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिक्षा मंत्री ने बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी से मिलकर श्रीमती सुशीला कुमारी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि श्रीमती सुशीला कुमारी का निधन पूरे बीकानेर के लिए अपूर्णीय क्षति है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीमती सुशीला कुमारी आध्यात्मिक और समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाली महिला थी। उन्होंने खेलों के प्रोत्साहन के लिए भी खूब काम किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व राज परिवार से उनके घरेलू रिश्ते रहे, ऐसे में श्रीमती सुशीला कुमारी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। बता दें कि राज परिवार की रीति नीति के तहत ही उनका अंतिम संस्कार होगा। बीकानेर की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी जी के निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। वे आध्यात्मिक सामाजिक सरोकार से पूरा नाता रखने वाली और परोपकारी महिला थी। उन्होंने जीवन पर्यंत पीबीएम हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को बीकानेर और राजस्थान में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे जो जितने भी साइकिलिस्ट हैं उनको साइकिलें दिलाने में, आधुनिक साइकिलें दिलवाने में, स्पोर्ट्समैन कोई फॉरेन में गया है तो उसका खर्चा उठाने में अपने ट्रस्ट के माध्यम से भारी सहायता की। उनके निधन से हमारे बीकानेर की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।